हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्फोरमैथ आई एम नेहा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली अब ये हाफ ईयरली क्वार्टरली देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सो लेट मी मेक यू क्लियर हियर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली हमारा फॉर्मूला होता है पी इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड होल एन जहाँ आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम है और एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स बट यही जब आप ये ईयरली हो गया और जब आपका हाफ ईयरली कंपाउंड जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है मतलब हर छः महीने बाद इंटरेस्ट कम कैलकुलेट हो रहा है तो so आपका अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा P इन टू वन प्लस आर अपॉन टू हंड्रेड का पावर टू एन क्या याद रखना है टू और टू हेयर ऑल्सो जो आपका ये वाला आर है ना दिस इज सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम एन इज ऑल्सो नंबर ऑफ ईयर्स नाउ वेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली उंडेड क्वार्टरली दैट केस हमारा अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है पी इन टू वन प्लस आर अपॉन फोर हंड्रेड पावर फोर एन हेयर ऑल्सो आपका आर और एन सेम है आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम एन एन इज ऑल्सो नंबर ऑफ इयर्स अगर एन आपका मंथ में है तो प्लीज उसको ईयर में कन्वर्ट कर दो यहां पे n की वैल्यू डाल दो फोर ऑलरेडी गिवन है ये थ्री फॉर्मूलाज वेरी इजी और अब मैं जो क्वेश्चन करूंगी हेयर वील बी यूजिंग द द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ सो लीट स्टार्ट सो द क्वेश्चन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज वन थाउजेंड फॉर एटीन मंथ एट टेन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड हाफ ईयरली सो हेयर हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर द प्रिंसिपल इज गिवन एजन थाउजेंड

आर मेरा पर एन है और एन इज टाइम इन ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगला स्टेप कुछ नहीं है बहुत इजी है वैल्यू पुट करेंगे आर की वैल्यू क्या है क्या, है, क्या है? टेन है टू इन टू एन, टू एन की वैल्यू मैंने बताया था ये वाली होती है थ्री बाय टू सॉल्व करेंगे कम ऑन लेट्स सी कौन सबसे पहले करता है विच इज ट्वेंटी वन बाई टू पावर ये भी कैंसिल थ्री राइट थ्री आ गया अच्छा ये क्या होता है मैम तो आपने बता था। ये, ये क्या है टोटल कन्वर्जन कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है है इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हो रहा है? पैसे डाले थ, वन कितने हाफ ईयरली हर आधे साल के बाद सिक्स मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो टोटल तो आपका तीन बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जब तक आपने मनी विद्रॉ नहीं किया तब तक राइट सो so, ये हो गया ट्वेंटी वन को तीन बार मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी को भी तीन ही बार मल्टीप्लाई करना है ये थ्री जीरो कैंसिल थ्री जीरो कैंसिल आंसर नाइन टू सिक्स वन बाय टू टू या फोर फोर टू एट आफ्टर सॉल्विंग दिस यू टू थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स थ्री ये क्या आ गया मेरा यह आ गया अमाउंट निकालना क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट अब नेक्स्ट स्टेप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट आफ्टर थ्री इयर्स माइनस प्रिंसिपल तो तीन साल बाद आपको इतना मिलने वाला है डिपॉजिट आपने एक हजार रुपये करे थे दोनों को कर दो माइनस देखने पे ही आंसर नजर आ गया आपको so, देखने से ही हम सॉल्व कर सकते हैं दैट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या है माइनस वन थाउजेंड इज रुपीज 157.63. So here we have got the compound interest when interest is compounded half yearly. Similarly, a quarterly hoga, N or R yearly perakna, N B years form limit 2 kijaga 4. That's it. I hope you like the video. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.